आशीष गायकवाड़ नाम का एक स्टूडेंट, उसके साथ में कई और 10-12 स्टूडेंट के साथ में यहाँ पे कल आया था। उन्होंने हमको हकीकत बताई कि आरके कॉलेज में प्रोफेसर संजय केशव प्रसाद दुबे नाम का जो प्रोफेसर है, उन्होंने उनको बी फार्मा के एडमिशन के लिए बेंगलोर साइड में तुमको करके देते ऐसे बता के उनके पास से एक स्टूडेंट के पास से कम 1.5 लाख रुपये उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके रखे 2019-20 में। अभी तो उन्होंने कुछ उसका एडमिशन नहीं किया है। उसके बाद में हम लोग ने तुरंत तहकीकात चालू की। तहकीकात के अंदर मालूम पड़ गया कि ये जो प्रोफेसर है अप्पापाड़ा में रहने वाला, उन्होंने बच्चों लोगों के पास से पैसे लिए, उनको अलग अलग तारीख दी है, वो तारीख में उनके एडमिशन करेंगे ऐसा बता रहा था वो, मगर आज तक उसने एडमिशन न करते हुए सबसे पैसा लेके उनके साथ में धोखाधड़ी की। जैसे तुरंत मालूम मिली, तहकीकात में बात जब आगे आ गई तो उनके ऊपर हम लोग 420 के IPC 420 धारा से इधर गुना दर्ज किया है, उसकी तहकीकात अभी चालू की है। सर, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है? हमारे सामने तो 10-12 बच्चे लोग सामने आ गए अभी तक। अभी इसकी तहकीकात के अंदर सच क्या है, झूठ क्या है और कितने बच्चे लोग हैं। सर, आरोपी इस तरह से जानकारी मिली है कि एडमिशन के अलावा ये भी कहा गया है कि तुमको पास करा के देंगे और इस बात को लेकर उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लिया गया है। फिलहाल जब सर्टिफिकेट लेने की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जब तक 1.5 लाख रुपया भरोगे नहीं तब तक तुम्हारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल वापस मिलेगा नहीं। हाँ, यही बात उसने की है। हमारे पास बच्चे लोग जो आए थे उन्होंने भी ये बताई है कि 1.5 लाख जब तक देते नहीं तब लोग हम लोग सर्टिफिकेट देते नहीं। मुजरिम के पास पूछने के बाद में वो उनके सर्टिफिकेट के बारे में उसके पास है, जब हमारी बातचीत हो जाएंगी तो हम लोग बाद में उनको दे देंगे, ऐसा वो मुजरिम उनको बोल रहा है। सर, इस मामले में किन किन कॉलेजों के नाम सामने आए हैं? पैसे तो उन्होंने मांगा है, तहकीकात के अंदर मालूम हो गया है कि बहुत सारे पैसे उसने उसके वाइफ के नाम पे और उसके पिताजी के खाते के अंदर उसने वो पैसे घुमा के रखे। सर, आरोपी का कुछ बैकग्राउंड क्या है? उसका अप्पापाड़ा में उसका खुद का प्राइवेट क्लास भी चला रहा था वो, और वैसा उसके पहले उसका खिलाफ इधर कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है। आपके कॉलेज में बतौर प्रोफेसर भी थे, इस तरह की बातें सामने आई है? सही बात है, वो प्रोफेसर थे उधर आपके कॉलेज में।